Hello students, so today we are going to start a new topic, letter writing. Letter writing is a very important topic in writing section and it is compulsory for all the classes. So what is letter writing first? A letter is a written message that can be handwritten or printed on paper. इसको आप हाथ से भी लिख सकते हैं, पेपर पे प्रिंट भी कर सकते हैं. It is usually sent to the recipient via mail or post in an envelope. इसको हम भेज जिसको भेजते हैं उसको मेल से भी कर सकते हैं या पोस्ट भी कर सकते हैं. Although this is not a requirement as such, any such message that is transferred via post is a letter, a written conversation between two parties. तो ये आप समझ लीजिए कि कोई भी मैसेज को जब हम पोस्ट से भेजते हैं तो वो एक लेटर बन जाता है, एक रिटन कॉन्वर्सेशन हो जाता है. तो जब आप एक रिटन में कोई चीज करते हैं, जब रिटन कॉन्वर्सेशन करते हैं, इट हैज टू बी वेरी परफेक्ट. ओके, अब टाइप्स ऑफ लेटर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, टाइप्स ऑफ लेटर, लेकिन तब भी कई बच्चों को अभी तक ये चीज नहीं पता है. इसीलिए मैंने ये पहला वीडियो अपना इसी के लिए बनाया है. और बच्चों, लेटर राइटिंग आजकल बहुत कम हो गई है. इनफॉर्मल लेटर्स तो बहुत ही कम हो गए हैं जब से मोबाइल का जमाना आया, बट स्टिल वी हैव टू लर्न दीज बिकॉज अल्टीमेटली आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए दिस इज द बेस्ट मीडियम एंड यू शुड लर्न इट. और क्योंकि सिलेबस में भी है, इस पर आपको एवेल्युएट भी किया जाता है, इसलिए इसको आप परफेक्टली सीखिए. तो फॉर्मल लेटर याद रखिए, फॉर्मल मीन्स फॉर ऑफिशियल, फॉर्मल यानी औपचारिक. इसमें एक सर्टन पैटर्न होता है, एक सर्टन फॉर्मेलिटी होती है. आपको एक स्ट्रिक्ट फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ता है जिसके लिए आपको इवेल्युएट भी किया जाता है ना. दे आर स्ट्रिक्टली केप्ट प्रोफेशनल इन नेचर एंड डायरेक्टली एड्रेस द इश्यूज कंसर्न. और जो भी इशू होते हैं उसी पे हम लिखते हैं. दे आर नॉट पर्सनल, इसमें कोई भी हम पर्सनल चीज नहीं लिख सकते. एनी टाइप ऑफ बिजनेस लेटर और लेटर टू अथॉरिटीज फॉल्स विद इन दिस गिवन कैटेगरी. तो कोई भी लेटर जो बिजनेस लेटर है या अथॉरिटी को लिख रहे हैं उसको हम फॉर्मल लेटर में लाते हैं. इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं? ये पर्सनल लेटर्स होते हैं. दे नीड नॉट फॉलो एनी सेट पैटर्न. इसके लिए कोई फॉर्मेट नहीं बना है, ना कोई आपको कोई फॉर्मेलिटीज करनी है. इनफॉर्मल लेटर में कोई आपके उसमें मार्क्स माइनस नहीं होते कि अगर आपने उसमें ये नहीं लिखा वो नहीं लिखा, ठीक है. दे कंटेन पर्सनल इंफॉर्मेशन, एक आपकी पर्सनल उसमें बात होती है, और अ रिटन कॉन्वर्सेशन. इनफॉर्मल लेटर्स आर जनरली रिटन टू फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस एंड रिलेटिव्स. तो हम जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर. तो जो बच्चे जो पहली बार लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं वो जान लें कि लेटर्स मेनली दो तरह के होते हैं, फॉर्मल लेटर एंड इनफॉर्मल लेटर, यानी औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र. अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ. ये लेटर का डिवीजन है जो हमको मालूम होना चाहिए कि बिजनेस लेटर क्या होते हैं, जो हम बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स को लिखते हैं, जो अपने बिजनेस पर्पस के लिए हम लिखते हैं. क्योंकि बच्चों, पढ़ाई हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कल को हमको इनको अपने लाइफ में भी इस्तेमाल करना है. ये नहीं है कि केवल आज मार्क्स लेने के लिए हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं. मैं आपसे कल को आप पता लगा आप बिजनेस कर रहे हैं और आपको एक लेटर लिखना नहीं आया, आपको यही नहीं पता कि बिजनेस लेटर कैसे होते हैं, कैसे कोटेशन दी जाती है, कैसे ऑर्डर लिए जाते हैं, कैसे कंप्लेंट को किया जाता है, कैसे क्लेम करना है. तो ये सब चीजें भी हमको लर्न करनी चाहिए, ठीक है. एप्लीकेशन फॉर्म भी तो उसका बिजनेस लेटर. तो दूसरा आता ऑफिशियल लेटर. ऑफिशियल लेटर बिल्कुल टोटली ऑफिस के लिए लिखे जाते हैं, ब्रांचेस को, सबॉर्डिनेट्स को. जैसे आप कोई रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड है, प्रोसीजर है, इवेंट है, ये सब. इनमें एक सर्टेन स्ट्रक्चर और डेकोरम है. सोशल लेटर क्या होते हैं? ये पर्सनल लेटर होते हैं जो हम स्पेशल इवेंट पे लिखते हैं. जैसे किसी की कोई फर्स्ट आया तो हम उसको कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं, किसी की घर में डेथ हो गई तो हम कंडोलेंस लेटर लिखते हैं, इनविटेशन लेटर, बर्थडे पार्टी उसके लिए इन्वाइट कर रहे हैं. तो ये एक सोशल लेटर होता है, ठीक है, ये सोशल लेटर में आते हैं. सर्कुलर लेटर क्या होते हैं बच्चों? सर्कुलर जो एक सर्कुलर दिए जाते हैं कि लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जैसे कि चेंज ऑफ एड्रेस, मैंने अपना एड्रेस चेंज किया, ये मुझे इन्फॉर्म करना है ना, चेंज इन मैनेजमेंट, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, ये सब. तो ये सर्कुलर है. एम्प्लॉयमेंट लेटर क्या होते हैं? ये एम्प्लॉयमेंट लेटर, ज्वाइनिंग लेटर होता है. जब आप कहीं नौकरी के लिए जाएंगे तो आपको सबसे पहले ज्वाइनिंग लेटर देना पड़ेगा. एप्लीकेशन लेटर होते हैं, प्रमोशन लेटर होते हैं. तो इन सब के सेट फॉर्मेट हैं जो हमको पता होने चाहिए, ठीक है.
ओके, तो ये तो हो गया। अब आते हैं लेटर राइटिंग टिप्स कि हाउ टू राइट अ गुड लेटर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विच टाइप ऑफ लेटर यू आर गोइंग टू राइट। इसीलिए मैंने आपको सब बताया कि कौन कौन से टाइप के लेटर हैं। तो जब आप अपने माइंड में पहले क्लियर कर लीजिए आप कौन से लेटर को, अगर क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए कि आपको कौन से टाइप का लेटर लिखना है इसमें। पहली बात तो ये देखो कि फॉर्मल लिखना है कि इनफॉर्मल लिखना है, ठीक है। फिर उसमें ये भी देखो कि फॉर्मल में भी कौन सा लिखना है, कंप्लेंट लेटर है, इंक्वायरी लेटर है, ऑर्डर लेटर है, लेटर टू एडिटर है, तो उसमें बहुत सी ये चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप जो मैं आपको दे रही हूँ, मेक श्योर यू ओपन एंड क्लोज द लेटर करेक्टली। आपका लेटर की स्टार्टिंग और लेटर की क्लोजिंग हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो फॉर्मेट देखता है और फिर ओपनिंग लाइंस देखता है कि आपने शुरुआत कैसे करी है और लेटर को आपने क्लोज कैसे किया है। तो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है द मेन इंटेंट ऑफ द लेटर। आपको जैसे मैंने दिया कि आपको ऑर्डर देना है बुक्स का, और आपने उसमें ऑर्डर ऑफ बुक्स के लिए तो एक लाइन लिखी और बाकी दुनिया भर की कहानी लिख दी, तो क्या हुआ, आपने जो मेन कंटेंट है वो तो लिखा ही नहीं, तो आपको माइनस मार्क हो जाएंगे उसमें। या जैसे आपको दिया गया कि आपको हेल्थ एंड हाइजीन के ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश कराना, यू राइट अ लेटर टू एडिटर, तो आपने उसमें यही सब लिख दिया कि आई एम वेरी ग्रेटफुल और ये दैट यू आर पब्लिशिंग माय आर्टिकल, ये सब लिखा, लेकिन हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में कुछ नहीं लिखा। तो मेन मकसद क्या था, हेल्थ एंड हाइजीन को एस्टेब्लिश करना। तो मेन इंटेंट क्या है, इंटेंट माने आपकी इच्छा, उसमें आप क्या शो करना चाहते हैं, दैट शुड बी एस्टेब्लिश। तो क्वेश्चन में जो है उसको लिखना बहुत जरूरी है। बी केयरफुल ऑफ द लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपके एक्सप्रेशन के मार्क्स हैं, आपकी लैंग्वेज के मार्क्स हैं। तो आप जो सेंटेंसेस लिख रहे हैं, जो स्पेलिंग्स लिख रहे हैं, वो ग्रामेटिकली और स्पेलिंग भी सही होना चाहिए। और लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट टिप है लेंथ ऑफ द लेटर। आपको लेंथ ऑफ द लेटर, आपको कई बार वर्ड लिमिट दे दी जाती है कि कितने वर्ड्स में, आपको 100 वर्ड्स में है, 150 वर्ड्स में है, तो यू शुड ट्राई टू राइट विद इन दैट लिमिट। अगर आप बहुत लंबा लेटर लिखेंगे तो वो वैसे भी यूजफुल नहीं रहता, ठीक है। तो ये पांच बच्चों टिप्स हैं जिसको मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में इसीलिए बताया कि जब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फॉर्मल लेटर और फिर नेक्स्ट उसके वीडियो में इनफॉर्मल लेटर के बारे में बताऊंगी, तो ये टिप्स आपको मैं बार बार नहीं बताऊंगी, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि लेटर में कंटेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा मार्क्स हैं, फॉर्मेट पे अभी आपको वीडियो में मैं पूरा बताऊंगी किसमें कितने नंबर हैं। ओके, ये एक प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रही हूँ। जैसे एलेक्स वॉज टू राइट अ लेटर टू हर क्लास टीचर आस्किंग परमिशन टू रिमेन एबसेंट फ्रॉम स्कूल फॉर 2 days ऑन अकाउंट ऑफ सम पर्सनल मैटर, वॉट टाइप ऑफ लेटर विल ही बी राइटिंग। कौन से टाइप का लेटर लिखेगा, उसको परमिशन लेनी है, पर्सनल लेटर होगा, बिजनेस लेटर होगा, या फॉर्मल लेटर होगा, या एनी ऑफ द अबव होगा। यस, इट विल बी अ फॉर्मल लेटर। क्यों, क्योंकि वो टीचर्स को एप्लीकेशन देगा, है ना, कि उसको स्कूल से वो एब्सेंट रहेगा। तो भले ही वो टीचर को पर्सनली जानता हो, लेकिन यहाँ पर एक फॉर्मल लेटर की डिमांड है, नॉट अ पर्सनल लेटर। तो इस तरह से आपको समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन को पढ़ के कि हमें कौन से टाइप का लेटर लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये फर्स्ट वीडियो आपको टाइप्स ऑफ लेटर एंड टिप्स फॉर राइटिंग गुड लेटर के बारे में था। माई नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन फॉर्मल लेटर्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।